और अब खबरें विस्तार से। आज महानवमी है, दुर्गा महानवमी। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जा रही है। आज ऐसा दुर्लभ संयोग भी है कि आज एक ही दिन महाअष्टमी और महानवमी दोनों पूजा एक ही साथ की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन की पूजा विशेष फलदायिनी होती है। इसी को लेकर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। आज की इन लंबी लाइनों को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज से पहले यहाँ कभी इतनी भीड़ नहीं हुई होगी। आज सुबह श्रद्धालुओं की कतार बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर से लेकर पुराना बाटा चौक तक पहुंच गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इधर महानवमी को लेकर आज हर घर में मां दुर्गा के नवरात्रे का भी समापन किया जा रहा था। नवरात्रे के अंतिम दिन घर घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन भी कराया गया। इस बार अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ा, इसका क्या महत्व है? अष्टमी जो है सो दो दिन पड़ गया, आपको कल 11 तारीख को लेके 12 तारीख के 7 बजे तक अष्टमी रहा। सूर्योदय काल में नमी नहीं पक रहा, इसलिए नमी का मान समाप्त हो गया, नमी तिथि 6 हो गया। हाँ, ये चौथ पूजा चारिम पूजा से ही चौथ पूजा दो दिन हुआ। हाँ, चारिम दिन पांचवा दिन उसी स्थिति से तिथि का ही क्रम चला है, दो तिथि का चला। तो कल आज जो है नवमी का 57 दंड है, यानी 7 बजे से लेके 5 बजे तक बस सुबह में है, इसीलिए नवमी जो सूर्य काल में नहीं पकड़ने से तो वो तिथि को 6 तिथि कहा जाता है, मल तिथि कहा जाता है। इसीलिए आज अष्टमी और नवमी दोनों का मान, नवमी का मान रहा, नवमी का भी कार्य आज हुआ, अष्टमी का भी कार्य हुआ। इसका महत्व तो क्या है पंडित? इसका तो बड़ा महत्व है। महाअष्टम्या महानवम्या जो है इस सिद्ध रात्रि है, इस सिद्ध योग है। इसमें जो कोई जो धर्म के काज पूरा पूजा पाठ कुमारी भोजन जो कुछ भी करते हैं उसका बहुत महत्व है। मनोवांछित फल माँ जगदम्बा देती है। तीन तिथि जो है अष्टमी नवमी चतुर्दशी, उसमें भी नवरात्रा का जो है अष्टमी नवमी महाकाल रात्रि और सिद्ध रात्रि है। अष्टमी महाकाल रात्रि, नवमी सिद्ध रात्रि है, इसलिए ये बहुत पूर्ण तिथि है। इससे बढ़ के कोई तिथि नहीं है। इस ये तिथि में जो कई धर्म के काज पूजा पाठ जो कुछ भी करेंगे मनोवांछित फल की प्राप्ति पाएंगे।